Welcome students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangar College, Didwana. हम एल्गी की अकरेंस पढ़ रहे थे, हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं प्राकृतिक आवास. इसका आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे. हम असाधारण आवास में पाई जाने वाली एल्गी पढ़ रहे थे, उसमें अब हमको सिम्बायोटिक या सहजीवी एल्गी के बारे में पढ़ना है. देखिए, सिम्बायोटिक या सहजीवी एल्गी. सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअल एसोसिएशन विद फंजाई इन लाइकेन. ऐसे कोई भी दो जीव जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहें, वो सहजीवी कहलाते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है, दैट इज लाइकेन. लाइकेन मीन्स शैवाक. एक शैवाक के अंदर दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक एल्गी और एक फंजाई. एक कवक और एक शैवाल आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए लाइकेन के अंदर पाए जाते हैं. कैसे? जो एल्गी होता है, ये आप जानते हैं कि एल्गी में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. जबकि फंजाई या कवक के बारे में आप जानते हैं कि उसमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती है. तो ये दोनों एक ही कंपोनेंट, एक ही बॉडी में लाइकेन की रहते हैं. तो इसमें एल्गी का या शैवाल का मुख्य कार्य क्या है? ये अपने लिए भोजन तो बनाएगा ही, साथ में अपने साथी जो कवक रह रहा है उसके लिए भोजन का निर्माण करते हैं. और फंजाई क्या करती है, कवक क्या करता है? कवक इसके लिए रहने की जगह और इसको पानी उपलब्ध कराता है. ठीक है, तो दोनों इस तरीके से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ में रहते हैं. तो ऐसा संबंध आप जानते हैं क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है. दूसरा एग्जाम्पल, पहला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया जो आपके सिलेबस में भी है और आपको पता होना चाहिए कि फंजाई क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, शैवाक क्या होते हैं, जहां पर एल्गी और फंजाई आपस में सहजीवी संबंध बनाते हुए रहे. ब्रायोफाइट्स में, एंथोसिरोस में आप देखेंगे कि इसके अंदर गुहिकाएं पाई जाती हैं. इसकी मेन प्लांट बॉडी में उसके अंदर नॉस्टॉक या एनाबिना इस तरीके की शैवाल उगती हुई पाई जाती हैं सहजीवी संबंध में. टेरिडोफाइट्स में एजोला है जिसके अंदर शैवाल सहजीवी संबंध में पाया जाता है. इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स में जो साइकस है, साइकस में कोरेलाइड रूट पाई जाती है, प्रावलाभ जड़ पाई जाती है, जहाँ पर ये जमीन से अटैच होता है बिल्कुल, उस सतह के ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी जड़ें मिलेंगी, ये कोरेलाइड रूट्स कहलाती हैं. इन कोरेलाइड रूट्स के अंदर क्या होता है, जो इनका कॉर्टेक्स होता है, उस कॉर्टेक्स के अंदर एल्गल जोन पाया जाता है, जिसमें नॉस्टॉक वगैरह कई एल्गियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं सहजीवी की तरह से रहती हुई. कोई हानि नहीं पहुंचा रही, कोई लाभ नहीं पहुंचा रही. इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म्स की साइकस की कोरेलाइड रूट में, ऐसे ही कुछ एंजियोस्पर्म्स के साथ भी एल्गी सहजीवी संबंध में पाई गई है. इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट असाधारण आवास है पैरासिटिक एल्गी, परजीवी एल्गी. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चाहे तो इसका नाम पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, मेनली नाम पूछा जाता है या क्या रोग होता है इससे. देखिए, ग्रो एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि परजीवी के रूप में भी, जब आप जानते हो क्लोरोफिल है, एल्गी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शैवाल ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं और परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं. सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिफेल्यूरस वीरीसेंस. ये क्या है? पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है, ग्रोन ऑन द लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स, कॉजिंग रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी एंड कॉफी. चाय की पत्तियों के ऊपर
पाई जाती है ये सिफल्यूरस विरिसेंस नाम की शैवाल, जो कि हरी शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, लेकिन परजीवी है, और इसके ऊपर रेड रस डिजीज कॉज करती है। चाय और कॉफी का रेड रस जो रोग है वो एल्गी के कारण होता है। आप आगे अभी कवकों में भी पढ़ोगे रस्ट, कवक में भी दो प्रकार के रस्ट पाए जाते हैं, एक व्हाइट रस्ट और एक ब्राउन ब्लैक येलो रस्ट गेहूं के ऊपर पाया जाता है। जो व्हाइट रस्ट है वो एल्बिगो से होती है और पाई जाती है क्रूसीफर्स के मेंबर्स पर, यानी कि सरसों, गोभी, मूली, इनके ऊपर। तो रस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीन प्रकार की रस्ट आप पढ़ोगे पौधों के अंदर। पहली रेड रस्ट, जो कि एल्गी के द्वारा हो शैवाल के द्वारा होने वाला रोग है, ये याद रखिएगा। दूसरी व्हाइट रस्ट, जो कवक से होती है, एल्बिगो से, और क्रूसीफर के मेंबर्स के ऊपर होती है, सरसों मूली वगैरह के ऊपर, जो आप वाइट सा चेपा लग जाता है ना, वाइट सा पाउडर जैसा, जब थोड़े पुराने होने लगते हैं पत्ते तो उनके पीछे वो ऊपर और पीछे सब जगह, और जब बहुत फैल जाता है तो पूरे पौधे के ऊपर आपको वाइट वाइट पाउडर दिखाई देता है, दैट इज वाइट रस्ट। और तीसरी रस्ट जो गेहूं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, दैट इज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट पे, ओट्स पे, बारले पे, सबके ऊपर रस्ट लगी हुई पाई जाती है। मेनली जो है वो हमारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो व्हीट के ऊपर ब्लैक और ब्राउन रस्ट पाया जाता है। तो यहाँ आपको रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफी याद रखना है, जो कि एक रोग है जो एल्गी या शैवाल के द्वारा होता है, और शैवाल का नाम है सिफेल्यूरस विरिसेंस। इसके बाद नेक्स्ट जो असाधारण आवास है, दैट इज थर्मोफिटिक एल्गी, थर्मोफाइट, ग्रोन इन हॉट स्प्रिंग्स। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो गर्म पानी के झरनों में भी उगते हुए पाए जाते हैं। नॉर्मल आवासों के अलावा गर्म पानी के झरनों में भी जो उगते हुए शैवाल पाए जाएं वो क्या कहलाते हैं? थर्मोफाइट्स कहलाते हैं। सम स्पीशीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोज इन हॉट स्प्रिंग्स ऑफ टेम्परेचर 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ जो हमारे नीले हरे शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी का मेंबर या मिक्सोफाइसी का मेंबर, क्लास इसकी क्या है, वर्ग क्या है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। इसके कुछ मेंबर्स जो हैं 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी के झरनों में भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका ऑसिलेटोरिया ब्रिविस स्पीशीज, ऑसिलेटोरिया की ब्रिविस, जो कि गर्म पानी के झरनों में पाई जाती है। दूसरा है साइनिकोकस इलोंगेटस, साइनिकोकस इलोंगेटस। तीसरा है हिट्रो हार्मोगोनियम। ये देखिए कुछ नाम बहुत बड़े होते हैं, आप ये बेसिक इंग्लिश आपने जब पढ़ी है तो आप ये जानते हो कि कोई भी वर्ड बहुत लंबा होता है तो हम इसको तोड़ कर याद कर लेते हैं, तोड़ कर बोलते हैं, तोड़ कर पढ़ लेते हैं, तोड़ को याद करते हैं, जिससे हमको याद करने में आसानी होती है। जैसे हिट्रो हार्मोगोनियम, इसके हम तीन पार्ट कर सकते हैं, हिट्रो हार्मो एंड गोनियम, ठीक है। आप लिखते में हिंदी में भी हिट्रो हार्मोगोनियम लिख सकते हैं, आपको स्पेलिंग याद नहीं रहे तो आप अगर हिंदी लिख रहे हैं तो ये सब नाम आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इंग्लिश ही लिखनी जरूरी है, लेकिन आप इंग्लिश लिखते हो तो इंग्लिश को सही लिखना है हमको। नेक्स्ट जो असाधारण वास है, दैट इज फ्लूवियटाइल एल्गी, फ्लूवियटाइल एल्गी, एल्गी फाउंड इन रेपिडली रनिंग वाटर सच एज वाटरफॉल्स। बहुत तेजी से बहते हुए पानी में भी, जब पानी में कोई चीज रुक नहीं पा रही है लेकिन उसमें भी एल्गी या शैवाल ग्रो कर जाते हैं, ऐसे शैवाल फ्लूवियटाइल एल्गी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, जो कि पहाड़ों पर झरनों के बीच में बहुतायत में पाया जाता है, दैट इज यूलोथ्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार के जो शैवाल हैं, दैट इज क्रिप्टोफिटिक एल्गी, क्रिप्टोफिटिक या हिमोद्भिद एल्गी। ऐसे शैवाल ऑन द हिल टॉप्स कवर्ड विद स्नो, क्रिप्टोफिटिक या हिमोद्भिद से मतलब
ऐसी पहाड़ की चोटियों पर या ऐसे पहाड़ों पर जहां पर बर्फ गिरी हुई हो, उस बर्फ के अंदर भी शैवाल उगते हुए पाए गए हैं, जिनकी वजह से गिव अट्रैक्टिव कलर्स टू द हिल टॉप, जो पहाड़ की चोटी को ऊपर ये बर्फ है वो बहुत ही अच्छा जो है कलर इनको आकर्षक कलर्स देती है, रंग देती है इस जो हिल की टॉप है इस एल्गी शैवाल के कारण, जिसका एग्जाम्पल है हिमेटोकोकस निवेलिस। हिमेटोकोकस निवेलिस नाम की शैवाल जो कि लाल कलर की होती है, इसके कारण जो पहाड़ की बर्फीली टॉप है आपको वो बर्फ का हिस्सा लाल रंग का दिखाई देगा। इसके अलावा ग्रीन स्नो इन यूरोप है, यूरोप में कई जगहों पर जहां बर्फबारी होती है, काफी टाइम बर्फ रहता है, वहां पर एक शैवाल पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। क्लेमाइडोमोनास की जाति है येलो स्टोनेंसिस, जिसके कारण ग्रीन और येलो कलर का बर्फ दिखाई देता है। मिजोशियम दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, दैट इज मिजोशियम। तो ये ऐसे शैवाल हैं जो क्रिप्टोफिटिक हैं, जो कि बर्फ के अंदर उगते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक या शैलोद्भिद ग्रोज एल्गी ग्रोज ऑन ह्यूमिड रॉक्स, ऐसी शैवाल जो नमी युक्त चट्टानों के ऊपर पाई जाती है, जहाँ पानी या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, कुछ ऐसे जो हमारे वन हैं, जंगल हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ की जो गीली चट्टानें हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी एल्गी या शैवाल उगते हुए पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके सिलेबस में भी है, दैट इज नॉस्टॉक एंड एनाबिना एटसेट्रा। नॉस्टॉक एंड एनाबिना एटसेट्रा। इसके अलावा जो साइटोनिमा है, ये साइटोनिमा एल्गी ऑन वेट वॉल्स इन रेनी सीजन, जो बारिश के दिनों में गीली दीवारों के ऊपर जो लगातार गीली बनी रहती हैं उनके ऊपर हम शैवाल उगती देख सकते हैं, जिसका नाम है साइटोनिमा। क्या नाम है? साइटोनिमा। तो इस प्रकार से हम विभिन्न असाधारण आवासों में पाई जाने वाली एल्गी हमने पढ़ी। देखिए एक बार आपको रिवाइज करके और बीच से दिखा देता हूँ। अनयूजुअल हैबिटाट्स में हमने क्या क्या देखा? हेलोफिटिक एल्गी देखी, एपिफिटिक एल्गी देखी, ठीक है। हेलोफिटिक जो कि खारे जल में थी बहुत ज़्यादा, एपिफिटिक जो बिना किसी लाभ के और हानि के पौधों के जानवरों के सतह पर उगती हुई पाई जाती है। दूसरी एपिजोइक, तीसरी जो ये एल्गी है एपिजोइक यानी कि जानवरों के ऊपर, इंडोजोइक जानवरों के अंदर पाई जाने वाली एल्गी। इसके बाद सिम्बायोटिक एल्गी पढ़ी हमने, सहजीवी शैवाल पढ़े। इसके बाद पैरासिटिक शैवाल पढ़े, पैरासिटिक के बाद हमने थर्मोफाइट्स पढ़े जो बर्फ पे उगती हुई पाई जाती हैं। फिर हमने फ्लूवेटाइल एल्गी पढ़ी जो कि तेजी से बहते हुए जल में भी उगती हुई पाई जाती है। इसके बाद हमने क्रिप्टोफिटिक एल्गी, तो ये टाइप्स, और लिथोफिटिक एल्गी, ये सब जो टाइप्स आपने एल्गी की प्राकृतिक आवासों की पढ़ी हैं विद एग्जाम्पल, इनको आपको उदाहरण के साथ ही याद रखना है। कोई ना कोई शैवाल इनमें से अक्सर पूछा जाता है, चाहे तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाए उसका नाम देके या उसकी परिभाषा पूछ ली जाए, ठीक है। तो आपका जो ये टॉपिक था अकरेंस का, यानी कि प्राकृतिक प्रकृति शैवालों की और उनका प्राकृतिक वास, ये कंप्लीट हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन के रूप में भी अलग से ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूरा पूछा जाता है कि एल्गी की अकरेंस के ऊपर निबंधात्मक उत्तर लिखिए या निबंध लिखिए, या एल्गी कैसे आवासों में पाई जाती है उसकी प्राकृतिक वास के प्रकारों का आप विस्तृत वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो छोटे से लेकर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इसका भी मैं जो लिटरेचर है
हिंदी में आपको पीडीएफ इसका शेयर करूंगा, ठीक है? थैंक्स। अब हम आगे और जनरल जो टॉपिक्स हैं इसके एल्गी के नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।